हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन पशुओं के शरीर के तापमान और गर्भकाल अवधि की, कि कौन से पशु में शरीर का तापमान कितना होता है और उनकी गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुरू करते हैं, बात करते हैं गाय के बॉडी टेम्परेचर की। जो काऊ होती है, इसका बॉडी टेम्परेचर होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। बात करें फारेनहाइट में, 101.5 डिग्री फारेनहाइट। और इसकी जो गर्भकाल अवधि होती है वो होती है 281 दिन। अब बात करते हैं भैंस। भैंस का बॉडी टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। बात करें फारेनहाइट में तो 100 डिग्री फारेनहाइट। और इसकी जो गर्भकाल अवधि होती है 310 दिन। अब बात करते हैं बकरी। गोट का बॉडी टेम्परेचर होता है 39.1 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में बात करें तो 102.5 डिग्री फारेनहाइट। इसके गर्भकाल अवधि होती है जेस्टेशन पीरियड 148 दिन का। 148 दिन की इसकी गर्भकाल अवधि होती है। अब बात करते हैं भेड़। भेड़ के शरीर का तापमान होता है 38.9 डिग्री सेल्सियस। बात करें फारेनहाइट में, एवरेज 102 डिग्री फारेनहाइट। और इसकी गर्भकाल अवधि होती है 150 दिन। अब बात करते हैं ऊंट। दोस्तों, जो ऊंट के शरीर का तापमान होता है मॉर्निंग को होता है 34 डिग्री सेल्सियस और इवनिंग के टाइम होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बात करें इसके जेस्टेशन पीरियड की, गर्भकाल अवधि की, तो 410 दिन। अब बात करते हैं सुअर। सुअर के शरीर का तापमान होता है 39.2 डिग्री सेल्सियस। इसकी गर्भकाल अवधि होती है 114 दिन। और दोस्तों, सुअर एक ऐसा जानवर है जो एक बार में 6 से 8 बच्चे दे देता है। अब बात करते हैं मुर्गी। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 41.7 डिग्री सेल्सियस। इसकी गर्भकाल अवधि होती है 21 दिन। दोस्तों, जो अंडे से जो चूजा बाहर आता है उसका समय है, तो दोस्तों यहां पर जो गर्भकाल अवधि है वो है 21 दिन। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय जवान, जय किसान। थैंक यू फ्रेंड्स।